तो भाई ये है वर्कशॉप, यहाँ पे भी कई गाड़ियों का काम चल रहा है। जैसे कि अंदर देख लो, एक ड्रिलिंग का काम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ड्रिलिंग का काम, जो कि अभी बॉडी का वर्क होना है कम्प्लीट। इसके बाद डेंटिंग पेंटिंग होगी, उसके बाद इसका पेंट वर्क होगा। और यहाँ पे एक थार रेडी हो रही है, जो पीछे देख रहे हो आप मेरे, ये तो ये वो थार रेडी हो रही है। गाड़ी भी हमारे साथ ओरिजिनल, जैसे ये गाड़ी है ना ओरिजिनल थार CRD 4x4 पे बन रही है, तो इसकी कॉस्टिंग मान के चलो आपको 10 लाख प्लस ही रहेगी। ओके, तो इसमें सनरूफ वगैरह भी आएगा? हाँ, सनरूफ भी आ जाएगा। ओके, तो इसका भाई जो एक क्वेश्चन, जो ये जो सस्पेंशन आता है वो ओरिजिनल थार वाला ही होता है? ये एक्चुअली है ही ओरिजिनल थार, इसमें कुछ नहीं छेड़ रखा। जैसे ओरिजिनल थार है, सब कंप्लीट है, तो इसका प्राइस मान के चलो 13 लाख रुपए की पूरी कंप्लीट कॉस्टिंग पड़ेगी विद ओरिजिनल थार CRD 4x4। और दूसरी MM550 वगैरह में आप कन्वर्ट करा रहे हो CRD 4x4 में, वो आपको 10 लाख के आसपास पड़ेगी। ओके, तो मतलब ये पूरी ओरिजिनल थार है, बस इसकी बॉडी को चेंज किया गया है। भाई ये कौन सी गाड़ी है, ये कब रेडी होगी? 110 जोंगा। ये भाई निशान की 110 जोंगा है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ अच्छे से, देख लो। ये गाड़ी रेडी होगी, कम से कम 6 महीने लगेंगे और 4 डोर में रहेगी। और जैसे महेंद्र सिंह धोनी के पास है सेम, बिल्कुल एज इट इज वो गाड़ी बनेगी। और इंजन रहेगा, इंजन कौन सा रहेगा संदीप भाई इसमें, इंजन कौन सा रहेगा? ओके, काफ़ी सारे कर सकते हो भाई इसमें। टाटा 407 जो कि काफ़ी हैवी इंजन होगा, या बुलेरो का लगा सकते हो, थार का लगवा सकते हो। टाटा 407 का ज़्यादा वो रहेगा क्योंकि इतना बड़ा ट्रक बनेगा, क्योंकि ये गाड़ी नहीं है पूरा ट्रक है कम्प्लीटली। मैं आपको दिखा दूँ इसका, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है इसमें, कम से कम कम्प्लीटली 6 महीने लगेंगे इसकी चेचिस से, 6 से 7 महीने लगेंगे इस गाड़ी को कम्प्लीट होने। भाई इसकी कॉस्टिंग कितना आएगी वैसे? ओके, तो भाई अप्रोक्सली बताया, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, 2 लाख कम हो जाएगा, 9 लैक्स बुलेरो में तैयार कराने, तो इतना कम? ओके, तो भाई मैं बता दूँ, अगर बुलेरो इंजन में आप लोग ये तैयार कराओगे ना, तो ये 9 लैक्स में पड़ेगी। अगर यही टाटा 407 में या कोई दूसरे इंजन में रेडी होगी तो वो होगी 13 लैक्स के आसपास। मैं दिखा देता हूँ एक बार पीछे से कैसी दिखेगी, क्योंकि पीछे इसका बॉडी का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पीछे से ऐसी दिखती है ये, आप देख सकते हो, वाओ। तो ये वीडियो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले आप लोगों को पता चल जाए कि गाड़ी पहले कैसी दिखती थी, और जब रेडी हो जाएगी उसके बाद गाड़ी का लुक कैसा आएगा। तो ये वीडियो मैं तभी डालूंगा जब गाड़ी मेरे पास इसका वॉकराउंड वीडियो आ जाएगा। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा नॉलेज में रहे कि गाड़ी स्टार्टिंग से कैसी होती है और एंड में जाके कैसे रेडी होगी, कंप्लीट रिव्यू मिल जाए आप लोगों को। आई होप आप लोगों को गाड़ी पसंद आई हो, क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद आई है। पहली बार देखूंगा मैं कोई इतना ज़बरदस्त ट्रक रेडी होगा। तो भाई ये देख लो, ये कंटेसा, कौन से नाम बताया तूने? कंटेसा है, बट मस्टैंग भी सेम ऐसी आते हैं ना अभी? हाँ, बट ये तो काफी पुराना मॉडल है, ये सारे इंडिया में बनी भी नहीं होगी। ये कस्टमर की है, अराउंड 2 साल हो गए, 2 साल खड़ी करके, मॉडिफिकेशन नहीं करवाई अभी तक। भाई अगर किसी को मॉडिफिकेशन करानी हो ना, अगर होंडा सिविक वगैरह का इंजन लगाओगे ना, अगर इस गाड़ी को मॉडिफाई कराया भाई साहब, इसकी लुक ना रोड पे कुछ अलग ही आने वाली है सिंपली। भाई इतनी इतनी कसल लुक है ना इसकी,
भाई कंप्लीट ही पूरी रेडी हो जाएगी वैसे? हो जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं। इंजन कौन सा अच्छा रहेगा अगर मान ले नीचे वो तो जब कस्टमर आ जाएगा पूरा बता देंगे। कोई नहीं, अलग अलग मॉडल टाइप के आ रहा है, सबके अलग अलग पसंद है यार भाई।